हेलो एंड वेलकम दोस्तों, लेटेस्ट अप द चैनल में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं ये मेरा बाइक देख रहे हैं, हॉर्नेट 160R, लगभग 25,000 किलोमीटर क्रॉस हो चुका है। अब मैं इसका जो चेन स्प्रॉकेट है वो चेंज करने जा रहा हूँ। तो चलिए अभी इसका जो टायर है इसे खोलने के बाद चेन स्प्रॉकेट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चेन अभी खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, तब तक के लिए आप लोग सब्र कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए चेन किट जो है ये रोल ऑन का है, ठीक है, ओ रिंग वाला है। तो ये अभी अनबॉक्स करने जा रहे हैं, चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं रोल ऑन का है चेन किट। ठीक है, अगर आप लोग भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थोड़ी देर सब्र रखिए, अभी हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे थोड़ी देर के अंदर। दोस्तों ये जो पुराना वाला था ये अभी खोल रहे हैं, ठीक है। ये खोलने के बाद जो नया वाला है वो इंस्टॉल करेंगे। ये टायर भी चेंज करना पड़ेगा कुछ दिन बाद, लेकिन मुझे इंतज़ार है आप लोगों का जो सब्सक्राइब और लाइक का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए मेरे चैनल को, तभी तो आगे बढ़ पाऊँगा। वो भी पुराना वाला चेन जो है वो अभी खोलना बाकी है। सामने वाला जो गियर स्प्रॉकेट है वो भी खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए जो नया वाला है वो अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब इंतज़ार है चेन खुली जो आगे वाला है उसको खोलने का, और लगभग 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको खोलने और इंस्टॉल करने में फुल्ली। तो दोस्तों ये देखिए सामने का जो गियर स्प्रॉकेट होता है वह भी खोल रहे हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं जो नया है वो अभी इंस्टॉल हो रहा है।
ये इंस्टॉल होने के बाद टायर भी फिटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद चेन स्प्रॉकेट भी फिट हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सब्र कीजिए। ये दोस्तों ये नया चेन का जो लॉक है वो अभी खुल चुका है, अभी इसे फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए टायर अभी फिटिंग हो रहा है, उसके बाद चेन भी फिट हो जाएगा। दोस्तों ये देख पा रहे हैं धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों ये देख पा रहे टायर अभी लगभग इंस्टॉल हो चुका है, अभी चेन स्प्रॉकेट फुल्ली इंस्टॉल होने में थोड़ा बाकी है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं चेन अभी इंस्टॉल होने जा रहा है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं लगभग चेन फुल्ली इंस्टॉल हो ही गया है, अभी इसका लॉक जो है वो फिट होने में बाकी है, फिट हो ही चुका है। फाइनली इसका चेन जो है वो फुल्ली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी को फ़ायदा हुआ होगा। तो ऐसा ही वीडियो आगे भी देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो को अभी यहीं से ख़त्म करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।